आज मैं आपको इस तरीके से चावल वाली जो प्लास्टिक वाली बोरी होती है, ये थिक वाली प्लास्टिक वाली बोरी है चावल वाली, उसका बहुत ही सुंदर यूज़ करेंगे हम। तो ये मैंने ली है, और मैंने क्या लिया है, इस तरीके से चादर में से एक पीस कट किया है, और मैंने कट किया है, और इस तरीके से सूट में से एक बचा हुआ पीस था वो मैंने कट किया है। आप चाहे तो पूरा चादर से भी बना सकते हैं। तो दो पीसेस मैंने चादर के कटिंग किए हैं, और एक ही मैंने बोरी का लिया है। इन तीनों के मेज़रमेंट सेम हैं, तो मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ कि मैंने क्या लिया है इनका साइज़। इसकी लंबाई मैंने ली है 19.5 इंच, इसकी लंबाई है। यहाँ से फोल्ड है, और फोल्ड करने के बाद ये है अप्रॉक्सीमेट। उन्नीस इंच यहाँ से फोल्ड है 19 इंच, और इसकी लंबाई है 19.5 इंच। तो मैंने एक ही प्रिंट का लिया है, सेम साइज़ चादर का और सेम साइज़ प्लास्टिक वाली शीट का। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले ये रखा इस तरीके से, बीच में हम ये प्लास्टिक वाली बोरी रखेंगे। इसका साइज़ भी सेम है, ये भी मैंने सेम इसी साइज़ की कट की है। उसके ऊपर हम ये वाला कपड़ा, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, आप चाहें तो चादर का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, पहले आपको इस पे लंबाई में सिलाइयाँ लगानी है, ताकि ये और ये तीनों हमारे आपस में अटैच हो जाएं। तो सिलाई मशीन से जस्ट इस पे सीध सीध में लंबाई लंबाई में पूरी सिलाई लगा लीजिए। मैंने पूरे इसमें सिलाई लगा ली, बीच में इस तरीके से राइस बैग जो मैंने डाला था, नीचे चादर, ऊपर ऊपर सूट का पीस। तो इस तरीके से पूरे पे लंबाई में मैंने देखिए सारे पे सिलाई लगा ली है, लंबी लंबी सिलाइयाँ लगा ली हैं 2-2 इंच के डिस्टेंस पे। तो ये इस तरीके से मेरा रेडी हो गया। अब हमें आगे क्या करना है, अब इसे हमें एक तरफ से हम इसे फिनिश करेंगे पाइपिंग से। तो किसी भी एक तरफ से इस तरीके से मैंने पाइपिंग कटिंग की है, ये अप्रॉक्सीमेट 2.5 इंच की है। इसे एक तरफ रखिए, इस तरीके से अंदर की तरफ रखूंगी मैं, और इसे एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक, यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये मैंने पूरी लंबाई में सिलाई लगा ली। अब इसे दूसरी तरफ को फोल्ड कीजिए, और यहाँ से फोल्ड करते हुए इस तरीके से एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक पूरा इस पर सिलाई लगा लीजिए। तो एक तरफ से हमारा ये फिनिश हो जाएगा। ये देखिए मैंने पूरे लंबाई में सिलाई लगा ली, तो ये मेरा फिनिश हो गया। ये हमारा काफ़ी थिक हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने राइस वाली बोरी डाली है वो काफ़ी थिक होती है। तो अब आपको क्या करना है, इसे ऐसे फोल्ड कीजिए यहाँ पर, और यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई में, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई, ये मैंने इस पर सिलाई लगा ली। अब हम इसके लिए बेस कटिंग करेंगे। तो बेस कटिंग करने के लिए पहले हम ये नाप लेते हैं हमारा कितना आ रहा है। तो ये है मेरा सिलाई छोड़ के 18 इंच, यहाँ से फोल्ड है, तो मतलब टोटल मेरा हो गया 36 इंच। 36 इंच हो गया। अब हमें बेस कैसे बनाना है, 36 इंच डिवाइडेड बाय 3, जितना भी आपका ये पूरा राउंड में आ रहा है उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो मेरा 36 आ रहा है, 36 डिवाइडेड बाय 3, तो ये मेरा आ जाएगा 12 इंच, तीसरा हिस्सा। ये मेरा टोटल है 36 इंच, उसका तीसरा हिस्सा लिया मैंने 12 इंच, तो ये मेरा आ गया 12 इंच। तो आपका जितना भी आए आपको इसी तरीके से उसका तीसरा हिस्सा करना है 12 इंच। अब हमें क्या करना है बेस बनाने के लिए, ये मैंने स्क्वायर पीस लिया है, ये मैंने लिया है 12 बाय 12 इंच का, जो मैंने अभी आपके सामने मेयर किया है 12 इंच और 12 इंच। अब इसे हम राउंड शेप में कट कर लेंगे। राउंड शेप में कट कैसे करना है, 1 फोल्ड
टू फोल्ड, फिर इसे ऐसे फोल्ड कीजिए इस तरीके से, और जितना आपका ये है 6 इंच का निशान यहाँ लगाइए और इसे शेप दे दीजिए। और इसकी कटिंग कर लीजिए। ये मैंने कट कर लिया। तो ये मेरा इसका बेस आ गया, ये इसका बेस, ये इसके बेस पे लगेगा, बेस कट हो गया। अब आपको क्या करना है, एक पीस ये कट किया है, एक पीस इसके नीचे लाइनिंग, और एक और पीस कट कर लीजिए जो मैंने राउंड कटिंग किया था। एक मैंने चादर में से कट किया और एक मैंने वही प्लास्टिक वाली जो राइस बैग है उसका कट किया और उस पर सिलाई लगा लिया। तो ये मेरा राउंड बेस बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसे जो हमने बनाया था उसके साथ ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन कैसे करना है, ऊपर से फिनिश है, यहाँ से हम इसे ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन कैसे करना है, इसे सीधा कर लीजिए, इसे सीधा कर लीजिए। अब इसे हम इसके साथ नीचे बेस में ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन कैसे करना है, सीधे ही करना है, ये भी सीधी तरफ है और ये भी सीधी तरफ है। तो यहाँ कॉर्नर से पिन कर लीजिए, पिन कर लिया। जैसे मैं पिन कर रही हूँ वैसे ही हमें इस पर सिलाई भी लगानी है। ये मैंने इसे पूरा राउंड में, ये पूरा राउंड में मैंने इसे पिन कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से लेके पूरे राउंड में इसमें सिलाई लगा लीजिए। सिंपल, यहाँ से सिलाई लगाना शुरू कीजिए और राउंड में घुमाते हुए इस पे पूरे पे सिलाई लगा। ये देखिए, ये मैंने पूरा इस पे सिलाई लगा दी इस तरीके से। तो इस तरीके से मेरा इसके साथ बेस ज्वाइन हो गया। देखिए, लॉन्ड्री बास्केट के लिए बेस प्रॉपर इसका ज्वाइन हो गया। अब हम पहले इसे पाइपिंग से फिनिश करेंगे। उसके लिए देखिए, इस तरीके से मैंने बायस की पट्टी ली है, यहाँ से इसे अटैच करना शुरू कीजिए, यहाँ से, और सिलाई लगाते हुए पूरा राउंड में यहाँ से इस तरीके से ऐसे सिलाई लगाते हुए पूरा राउंड में यहाँ तक इसे सिलाई से अटैच। ये पूरे राउंड में मैंने सिलाई लगा ली, एक तरफ से शुरू किया और सिलाई लगा के पूरी पट्टी लगा दी है नॉर्मल पूरे राउंड में। अब आपको क्या करना है, अब इसे दूसरी तरफ को फोल्ड करना है। इस तरीके से फोल्ड कीजिए, ऐसे बिठा लीजिए दोनों, ऐसे फोल्ड करना है, और फोल्ड करते हुए ये देखिए इस तरीके से फिनिश होगा। ऐसे फोल्ड करते हुए इसे फोल्ड करते रहिए और पूरे राउंड में इसमें सिलाई लगा लीजिए, तो ये हमारा प्रॉपर फिनिश हो जाएगा। इसे सिलाई मशीन में रख के पूरे राउंड में मैं सिलाई, ये मैंने इसकी पाइपिंग जोड़ी। तो इस तरीके से मेरी बिग बास्केट बिल्कुल रेडी हो गई है। ऊपर से ये है, अब हम इसके ऊपर से, इसके ऊपर लगाने के लिए, ऊपर के लिए इसके लिए लिड बनाएंगे। तो लिड कैसे बनानी है, देखिए सेम जैसे हमने ये बेस कटिंग किया था ये वाला, वैसे ही लिड बनाने के लिए एक ऐसा ही सर्कल, सेम उसी तरीके से उसी मेजरमेंट का एक सर्कल कट कर लीजिए। काटा था सेम वैसे ही मैंने ये लिड भी कटिंग कर ली है और इस पे भी मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं सिलाई मशीन से। अब आपको क्या करना है, इसके चारों तरफ जैसे हमने पाइपिंग से ये फिनिश किया है ऐसे ही इसे भी चारों तरफ पाइपिंग से फिनिश कर ली। ये मैंने पाइपिंग से पूरी लिड फिनिश कर ली, नीचे वही सेम जैसे मैंने बेस बनाया था सेम वैसे ही लिड बनाई है, बस इसके साइड में मैंने पाइपिंग लगाई है। अब हमें आगे क्या करना है, ये बास्केट लीजिए, इस तरीके से हमारी बनी है। यहाँ पे ये जो जोड़ है, जो हमने साइड में जोड़ बनाया था वहाँ पे इसे साइड में इस तरीके से रखना है ऐसे इस तरीके से, और इस पे यहाँ से लेके यहाँ तक अप्रॉक्सीमेट 4 to 5 inch पे यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सिलाई से सिल लीजिए लिड को, इसके साथ इसे स्टिच कर लिया इस तरीके से पकड़ के यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये लिड इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक हमारी स्टिच हो गई, देखिए
साइड वाले, जहाँ से साइड वाला कॉर्नर था, साइड वाली सीम थी, वहाँ पे मैंने इसे अटैच किया। अब आपको क्या करना है, ये लेड लग गई, यहाँ से हम बंद करने के लिए इसके एनक्लोजर बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, इसे साइड पे रखिए। इस तरीके से मैंने कपड़ा लिया, मेजरमेंट बता देती हूँ, ये है 6 इंच और ऐसे है 6.5 इंच। अब आपको क्या करना है, इसे बीच में रखिए, इसे फोल्ड कीजिए, इसे फोल्ड कीजिए, इसे फोल्ड कीजिए और इस पर यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। 1-2 साइडों में 3 सिलाइयाँ इस पर लगा लीजिए, एक बीच में, एक इस तरफ और एक इस तरफ। अब इस, ये देखिए, इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से वेलक्रो का पीस लीजिए, वेलक्रो काटिए, इसे फोल्ड कीजिए नीचे की तरफ से, वेलक्रो रखिए इस तरीके से और इसके चारों तरफ इसे सिलाई से फिनिश की। ये मैंने वेलक्रो का पीस अटैच कर लिया इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, ये बॉक्स लीजिए, यहाँ पे इसे फोल्ड करते हुए बीच में सेंटर में हम इस तरीके से लगाएंगे। तो इसे यहाँ पे लिड के साथ यहाँ पे सिलाई मशीन से अटैच कर लीजिए। ये देखिए, मैंने सिलाई से इसे अटैच कर लिया, पट्टी आ रही है इस तरीके से यहाँ पे। इसे यहाँ पे सिलाई मशीन से या सुई धागे से, हैंड से करना चाहते हैं हैंड से, या सिलाई मशीन से इसे अटैच कर लीजिए। तो ये हमारा इसके साथ वेलक्रो एनक्लोजर वाला बन जाए। वेलक्रो का दूसरा पीस मैंने यहाँ पे इसके साथ अटैच कर लिया, ये मैंने वेलक्रो का दूसरा पीस अटैच कर दिया। तो इस तरीके से हमारी लिड लगेगी, लिड के साथ ये मेरी बास्केट बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। आप इसे लॉन्ड्री बास्केट यूज़ कर सकते हैं, इसमें बच्चों के खिलौने वगैरह रखना चाहें या कुछ और स्टोर करने के लिए रखना चाहें तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। और ये वॉशेबल भी है, आप इसे ईजिली वॉश भी कर सकते हैं, बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। कि प्रॉपर बेस साइड से, तो ये बिल्कुल रेडी टू यूज़ है।